दोस्तों 19 जून को राज्यसभा की 18 सीटों के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से 19 जून को राज्यसभा की 18 सीटों के लिए चुनाव की बात कही गई और इसका अनाउंस किया गया, उसके बाद लगातार हमारे देश के राजनीतिक या पॉलिटिक्स जो नेता हैं वो एक्टिव हो चुके हैं और गुजरात में खास करके इसी को लेकर के फिर से एक बार रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। लेकिन गुजरात में कांग्रेस पार्टी को जिस तरह से झटका लगा है उसका बदला कांग्रेस ने कर्नाटक में ले लिया है। गुजरात में कांग्रेस को झटका और कर्नाटक में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, जिसकी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी लगता है कि अगर हमारे देश की राजनीति जिस तरह से गुजरात में हो रही है या मध्य प्रदेश में, ऐसी नहीं होनी चाहिए, अगर आप इसका विरोध करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। गुजरात में कांग्रेस पार्टी के 3 विधायकों ने 1 हफ्ते के अंदर इस्तीफा दे दिया और न जाने कितने दे देते ये कोई पता नहीं है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों को रिजॉर्ट में शिफ्ट करा दिया और जिस रिजॉर्ट में कांग्रेस ने अपने विधायकों को शिफ्ट कराया था उस रिजॉर्ट के मालिक और मैनेजर के ऊपर भी केस दर्ज कर दिया गया। उसके बाद सवाल खड़े होने लगे कि आखिरकार बीजेपी करना क्या चाहती है। हॉर्स ट्रेडिंग तो कर ही रही है, साथ ही साथ विधायकों को बचाने का भी रास्ता नहीं रख रही है। और कोरोना काल में जो बीजेपी के नेता घर के अंदर छुपे हुए थे वो लगातार अब बाहर निकल रहे हैं और नेताओं को खरीद रहे हैं, ये आरोप लगाया गया। लेकिन खैर कांग्रेस पार्टी को तो वहां पर झटका एक सीट का लगा ही लगा है। दूसरी तरफ कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने उसका बदला ले लिया है। मैं आपको बता देता हूं कर्नाटक की 4 सीटों पर चुनाव होने हैं राज्यसभा की, जिसमें 1 पर मल्लिकार्जुन खड़गे और 1 पर जेडीएस के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा को मैदान में उतार दिया है। जो बीजेपी अभी तक ये दावा कर रही थी कि कर्नाटक में हम 3 सीटें जीतेंगे, हालांकि उनके पास वोट इतने नहीं है, 2 सीटें तो जरूर जीत सकती है कर्नाटक में बीजेपी, 1 सीट के लिए वो दावे कर रही थी। और वो दावे किस आधार पर कर रही थी आप सभी जानते ही होंगे, हॉर्स ट्रेडिंग ऐसी मतलब बात कही जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। लेकिन कांग्रेस ने यहां पर एक बड़ा दांव खेल दिया, कांग्रेस ने जेडीएस को समर्थन दे दिया और बीजेपी को बड़ा झटका देते हुए गुजरात का बदला 1 सीट का ले लिया। अब खबर आ रही है कि जिस तरह से कांग्रेस ने यह समर्थन दिया है जेडीएस को, उसके बाद जेडीएस 1 सीट जीतेगी और 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाएगी। और जिस तरह से बीजेपी दावे कर रही थी उसके दावे पर बड़ा झटका लगा और बीजेपी के जो उम्मीदें जो आरजू थी उसको बड़ी चोट पहुंची है। तो कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में 2 सीटें यानी जेडीएस के साथ मिलकर के जीत रही है और 2 सीटों पर ही संतुष्ट रहना पड़ेगा बीजेपी को। आप लोगों की इस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।